सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, बीटेक जो लोग करने जा रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा देखो, और जो लोग बीटेक करने की सोच रहे हैं वो भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिस पे हम लोग लैग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। बीटेक अगर आप कर रहे हो, अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं करोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ से बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग बीटेक कर रहे हो पहले वीडियो तो पूरा देखना, जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर आप बीटेक कर रहे हो ना तो आपका सबसे एंड गोल क्या होता है कि हमें जो है बीटेक के बाद जॉब लेना है, वो माइंडसेट होना सबका सही है कि बीटेक के बाद जॉब लेना, लेकिन किस तरह से जॉब लेना है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बैकएंड की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, वो सारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप बीटेक करने जा रहे हो ना तो आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि बीटेक अगर आप कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला। अब ये सब्सक्रिप्शन से जो आपकी प्रिपरेशन होगी ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितना प्राइस हाइक हो जाएगा। और मेरा जो कोड है ना करियर अड्डा, वो यूज करते हो, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अनअकैडमी आप लोगों के लिए कमाल के बैचेस भी लेकर के, और इन बैचेस के बारे में बात कर लें, असेंट बैच फॉर गेट 2024 अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है 2022, और ये है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इवॉल्वी बैच फॉर गेट 2023 अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है CS and IT के लिए। उसके अलावा है असेंट बैच फॉर गेट 2024 अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसके अलावा है असेंट बैच फॉर गेट 2024 अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बूस्टर साबित है। उसके अलावा अनअकैडमी एक चीज़ और लेकर के आप लोग ले आया है, गेट एंड ईएससी कॉम्बैट लेकर के आया है, और मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक CS and IT, और ये कॉम्बैट टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी रुपये चार्जेस नहीं है। और ये जो कॉम्बैट होने वाला है वो अप्रैल 10, 2022 को 11 AM पे होगा, 20 क्वेश्चन 60 मिनट होगा। और कॉम्बैक्ट्स के हाइलाइट्स भी देख लो कि बेस्ट एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर गेट 2023 है, डिलीवर वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर है, टॉप रैंकर्स टू गेट अप 100% स्कॉलरशिप आप यहां से पा सकते हो, और क्वेश्चन जो होता है वो टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में क्रिएटेड होता है, तो ऑब्वियसली एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जो मेरा कोड है ना करियर अड्डा, उसको यूज करके इस कोड ये जो कॉम्बैक्ट टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हो, और सब्सक्रिप्शन पे भी 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। तो लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, एक बार जाकर के जरूर देखें। बता दूं कि देखो, गेट का एग्जाम देना हर बीटेक वालों को जरूरी समझना चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर आप अपने माइंडसेट में ले लो ना कि गेट का एग्जाम देना हर बीटेक वालों के लिए बहुत जरूरी है, तो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। क्यों, उसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, गेट का एग्जाम जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं दोगे तो लाइफ बेकार हो जाएगी, लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन गेट के एग्जाम के प्रिपरेशन में ना कई सारी चीजों के एड ऑन प्रिपरेशन हो जाती है। अब देखो, अगर गेट की अच्छे से आप तैयारी करते हो, फर्स्ट ईयर से लगते हो, तो एक तो पूरे बीटेक का सिलेबस कवर होता है। गेट की प्रिपरेशन के साथ किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई करोगे, फॉर्म भर करके अप्लाई करोगे, आपका सिलेक्शन होना लगभग तय है। क्योंकि गेट की प्रिपरेशन ना इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामों में से एक हो गया है। गेट पहले इतना टफ नहीं था। गेट की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी? गेट की इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ी कि NTPC, BHEL, GAIL, PGCIL सारी कंपनियों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम जो सिलेक्शन लेंगे सीधे गेट के थ्रू लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं अलग से अपना एंट्रेंस करवाने की। तब से गेट की डिमांड इतनी तेज बढ़ गई कि गेट को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। गेट को इम्पोर्टेंस दो, और देना पड़ेगा आप लोगों को। जो लोग बीटेक कर रहे हैं उनको तो खास करके मैं ये बात कहूँगा कि आपको बीटेक की इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, गेट की इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि गेट एक रास्ता है आपको वहाँ तक लेके जाने का। अब गेट की तैयारी करते हुए सोचो, अब चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़का ऐसा है कि जो गेट की तैयारी कर रहा है, सिर्फ गेट के एग्जाम पे फोकस कर रहा है, गेट में उसके अच्छे नंबर ना आके 40-45 नंबर आए, पहला बेनिफिट 45-50 नंबर पे भी वो NIT IIT में पहुंच सकता है, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे वो जाएंगे NTPC BHEL और PGCIL में जॉब करने। तो एक पहला फायदा है कि वो एमटेक करने जा सकता है। दूसरा फायदा ये है कि किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब की वो प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, तो वहां पे भी वो उसके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा यह है
कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, अगर मान लो वहां पे भी नहीं होता है तो प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ जब आप मूव ऑन करते हो, सोचते हो प्राइवेट इंडस्ट्री मुझे जॉब चाहिए, तो वहां भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां भी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये फायदा उठाइए ना इस चीज का, जब तक आप फायदा नहीं उठाओगे ना तब तक आपके लिए चीजें उस तरह से नहीं हो पाएंगी। तो फायदा उठाना बहुत जरूरी है, बीटेक वालों को ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे इस चीज का, तब तक लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ोगे। बीटेक कर लेना ही सब कुछ नहीं है, बीटेक अच्छे से करना, टेक्निकल वे में करना, स्किल फोकस करना। अब पहले वो होता था कि इंजीनियर हो तो आपको क्या बस डिग्री होनी चाहिए, अब डिग्री की वैल्यू नहीं रही। मैं कितनी बार वीडियो में बोलता हूँ स्किल पे वर्क करो, अपने स्किल पे जब फोकस करोगे तभी आपको जॉब मिलेगा। सब लोग चालाक हो गए, सब लोग जानकार हो गए। आप मैं बता दूं ना, आप 50 इंटरव्यू दे लो, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है ना कोई जॉब नहीं दे सकता है। लेकिन आपको आप 2 इंटरव्यू दे दोगे, अगर आपके अंदर स्किल है तो दोनों में से कोई कहीं एक जगह सेलेक्ट जरूर हो जाओगे। तो स्किल पे फोकस करो, अपना पहले नॉलेज टेक्निकल ज्ञान पे ध्यान दो, टेक्निकल नॉलेज जो है उस पर कमांड करो, एकदम कमांड पूरी पकड़ होनी चाहिए उस पर। जब तक कमांड नहीं होगा टेक्निकल स्किल पे, तब तक आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे चीजें करोगे। तो टेक्निकल स्किल पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। तो बीटेक वाले ये माइंडसेट में आप रख लो, आपके माइंडसेट में ये बात होनी चाहिए कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर अगर बीत गया है तो सेकंड ईयर से करो, सेकंड ईयर भी खत्म हो गया तो थर्ड ईयर से करो, करो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म सोच के चलोगे ना तो आउटपुट अच्छा होगा। हम लोग क्या सोचते हैं जब बीटेक करो, चलो फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो आराम से करेंगे, अभी क्या करना है, अभी तो मौज मस्ती करते हैं। वही मेरा लैकिंग पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे हम लोग फेल होते हैं, उसी पॉइंट पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। और उसी पॉइंट से जब हम पीछे हटते हैं वहीं से हमारी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाती है, हमें पता नहीं होता हमें कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है, उस तरह से चीज़ें चली जाती हैं और बीटेक के बाद हम अपनी लाइफ खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो प्राइवेट इंडस्ट्री में अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे, गवर्नमेंट जॉब में, मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और वहां से अच्छा स्कोर करोगे। अगर गेट में अच्छा स्कोर कर ले गए तो प्रॉब्लम ही खत्म है, NTPC, BHEL और PGCIL तो खुले दरबार हैं, आ रहे हैं, बुला रहे हैं। आइए सिर्फ GD और इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पे GD और इंटरव्यू फॉर्मेलिटी होती है। जितना स्कोर वेटेज जितना अच्छा रहेगा, स्कोर जितना अच्छा रहेगा गेट में, सेलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो जान जाते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा गेट में इतना अच्छा स्कोर किया तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा। और डजेंट मैटर कि वहाँ पे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल या थोड़ी सी इंटरव्यू भी खराब होता तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो ये अप टू यू है कि किस तरह से आप लेते हो चीज़ों को, किस तरह से चीज़ों को समझते हो। जब तक सही से समझोगे नहीं, जब तक सही से जानोगे नहीं, तो बीटेक के बाद ऐसे परेशान रहोगे। और इस परेशानी का देखो सॉल्यूशन यही है कि आप एक राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से काम करिए। जब तक आप उस वे में नहीं आएंगे बीटेक के बाद, एक एनर्जेटिक होना पड़ेगा, एक डायरेक्शन आपको, एक गोल एंड गोल फिट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि गेट से बेटर बीटेक वालों के लिए कोई ऑप्शन है। अब गेट की प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन मल्टीपल चीज़ों को कवर करती है आपकी, तो मल्टीपल चीज़ों को जब कवर कर रही है तो वहाँ पे ह्यूज स्कोप है आपके लिए, वहाँ पे करियर भी आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाने की जरूरत है। जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाओगे तब तक लाइफ ऐसी ही रहेगी। तो बस वीडियो में इतना ही, होगा इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।